हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास सेवेंथ का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर एट है इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर क्या है कि जो क्लास सेवेंथ है उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर एट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा टेंस है वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है? तो पहचान लिखेंगे, पहचान फ्यूचर टेंस से काम का भविष्य मैं होना प्रकट होता है, ठीक है, किंतु काम के जारी रहने या पूर्ण होने के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो पहचान क्या है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है से काम का भविष्य में होना प्रकट होता है, काम का भविष्य में होना प्रकट होता है, किंतु काम के जारी रहने या पूर्ण होने के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता। काम के जारी रहने या उसके पूर्ण होने या उसके लगातार चलने, इसका कोई पता नहीं चलता। ओके, और हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि आते हैं। और हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों में क्या है, लास्ट में गाली ये आदि आते हैं। ये हमारे क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक है, अब हमारे रूल हैं वो हम लिखवाते हैं आपको। इस टेंस के
अंग्रेजी वाक्यों में सेल या बिल और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं ठीक है। आई वी के साथ प्रायः सेल का प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं ठीक है। आई और वी के साथ ओनली सेल का यूज होता है और यू ही सी दे तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ दिल का यूज करते हैं। तो इस टेंस जो इस टेंस के अंग्रेजी वाक्यों में सेल और विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, यू सी पी दे तथा अन्य सभी जो सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं। इसमें सिंगुलर हो या प्लुरल हो हमें आई और वी के साथ ओनली सेल का यूज करना है और सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करना है। तो ये क्या है हमारा फीचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और पहचान। अब हम चलते हैं टाइप्स। ठीक है अब हम चलते हैं टाइप्स पर। तो पहला हमारा है एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक ठीक है। सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल और वर्ब की फर्स्ट ठीक है। देखो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं तो इसमें क्या है, जो सकारात्मक वाक्य हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की उसमें क्या सब्जेक्ट के बाद बिल या सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जांपल चलते हैं एग्जांपल पर। Thank you.
सेल गो द ऑफिस। ठीक है, कैसा कि हम दफ्तर जाएंगे, तो पहली बात तो दा दीजिए से पता चलता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दूसरी बात हमें ये पता करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, तो हम उसके साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगाएंगे। तो वी सेल गो टू द ऑफिस पे पूरा ऑब्जेक्ट लिख देंगे, सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लीजिए। मीरा कुछ कपड़े खरीदेगी। मीरा गई क्योंकि हमें पता है कि आई और वी के साथ ऑनली सेल लगेगा और जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे उन सब के साथ बिल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। पिताजी हमारे लिए कुछ किताबें खरीदेंगे, तो फादर विल बाय सम बुक्स। ठीक है, तो पिताजी यानी पिताजी हमारे लिए कुछ किताबें खरीदेंगे, तो फादर विल क्योंकि और सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे विल, वाई यानी खरीदेंगे सब बुक्स फॉर अस हमारे लिए। ओके, ये हमारा एफर्मेटिव जो फ्यूचर इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अब हम चलते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंस पर। नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह नहीं आएगा।
ही सेप्टेंबर के बाद नॉट ही विल नॉट कम फुल स्टॉप ठीक है तो कैसे वह नहीं आएगा क्योंकि विल नॉट कम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या करना है नॉट का यूज करना है वे नहीं जाएंगे दे विल नॉट गो वे नहीं जाएंगे तो दे विल नॉट गो हम उनकी मदद नहीं करेंगे ओके वी सेल नॉट हेल्प दे हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमें आई वी के साथ याद रखना है कि सेल का यूज करना है तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है ओके तो इस तरह से हम कहाँ पे हमने समझ लिया अपना फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस से ठीक है विद एग्जांपल अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग सेल विल क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका प्रयोग सेल विल से भी पहले किया जाता है क्वेश्चन
मैं सच्चे से बाद ना का यूज करती हूँ, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करती हैं। नंबर टू, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ, ठीक है। तो क्या है, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग किया जाता है। नेगेटिव वाले सेंटेंसों में क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखा जाएगा और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये भी कंपलसरी होता है, क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या वे हमारा करेंगे, तो हमें लगता बिल दे बेट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या भी हमारा इंतजार करेंगे, तो विल दे वेट फॉर अस। नंबर टू, पंखा कौन चलाएगा, क्योंकि कौन है ना, तो हू विल स्विच ऑन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पंखा कौन चलाएगा, तो हू विल स्विच ऑन द फैन, ओके। क्या तुम एक किलो आम खरीदोगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, क्या तुम, तो विल यू बाय वन केजी मैंगो, क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या तुम एक किलो आम खरीदोगे, तो विल यू बाय वन केजी मैंगो। और देख लेती हूँ, क्या वह
गाना नहीं गाएगी। ओके, तो क्या विल सी, अब नॉट है ना सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरह से जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो ये देखेंगे हमें क्या करना है कि अगर वाक्य में पहले क्वेश्चन वाले वर्ड में पहले क्या आता है तो हमें जो विल सेल हेल्पिंग वर्ब होती है जो हमारी, वो हमें सबसे पहले रखनी होती है। इसके बाद अगर हमारे वाक्य में नॉट है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर सीधा ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके, ठीक है। आई और वी, आई एंड मैं और हम के साथ ऑनली आपको सेल का यूज करना है और सबके साथ आपको विल का ही यूज करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और हाँ जो एक्सरसाइज आपकी जो रहती है रिवीजन वाली हम आपको पूरा समझा देते हैं डिटेल में, तो आपको एक्सरसाइज सेल्फ ही करनी है। ओके, सेल्फ ही कंप्लीट कर लेनी है पूरी बुक, जितना समझाया जा रहा है वो आपको होमवर्क के लिए जितनी एक्सरसाइज हैं बुक में वो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, सम वर्ब एंड देयर फॉर्म हमने आपको वन से लेके सारे जो वीडियो थे वो हमने आपको बना के दिए अभी तक के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, यानी 8 चैप्टर पे कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से काम का भविष्य में होना प्रकट होता है। वो तो है, फ्यूचर की बात की जाती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो भी है वो उसका जो काम है वो भविष्य में होना प्रकट करता है, किंतु काम के जारी रहने या पूर्ण होने के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता है। वाक्य, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि आते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं, और इनके रूल इस टेंस के अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी जो वाक्यों में सेल और विल का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, यानी आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे और सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। आई और वी के साथ प्राय सेल का यूज करते हैं, यू सी ही दे तथा अन्य जो सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम क्या करेंगे, विल का यूज किया जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंसों में जो सकारात्मक वाक्य हैं उनमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, निगेटिव वाले जो स्टेटमेंट हैं नकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट, यानी हेल्प, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करेंगे, वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे कि विल या सेल क्या। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स में यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या सेल या बिल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, यदि हमारा जो वाक्य है वो क्या पहले लाता है। हिंदी वाले वाक्यों में अगर क्या पहले आए तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, इसके बाद अगर वाक्य में निगेटिव है यानी नहीं है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाएगा। ओके, और व्हाट, व्हाई आदि जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनका प्रयोग बिल या सेल से भी पहले किया जाता है। यदि वाक्य में क्या है बिल या वाक्य में जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में अगर आता है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाते हैं, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अगर नॉट है हमारे सेंटेंस में तो नॉट का यूज किया जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और हम पूरा ऑब्जेक्ट अपना रख देंगे, और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ओके, ये भी कंपलसरी है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।